ये तुम क्या कर रही हो सीता? भविष्य के लिए बीज बो रही हूँ। सीता, तुम कभी कभी इतनी बड़ी बात कह देती हो कि मैं भी अचंभित हो जाता हूँ। बड़ी बात? कौन सी बड़ी बात पिताजी? भविष्य के लिए बीज रोपित करने वाली बात। इसी प्रकार व्यक्ति का मन भी उर्वर होता है। वो अपने मन में जिस प्रकार के बीज रोपित करता है, भविष्य में वैसे ही विचारों से उसका जीवन परिपूर्ण भी होता है। अच्छे विचार अच्छे व्यक्तित्व को पोषित करते हैं और बुरे विचार बुरे व्यक्तित्व को। इसीलिए माता पिता के लिए यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वो अपनी संतान के मन में कैसे विचारों का बीज आरोपण कर रहे हैं। देखिए इन पिता पुत्रियों को फिर से मिट्टी से खेलने लगे। क्या करूं मैं इन दोनों का? तभी धोबी कह रहा था कि राजा जनक के वस्त्र इतने मटमैले कैसे हो जाते हैं। सभी पौधे और सभी वृक्ष भूमि देवी की कोख से जन्म लेते हैं, तो वो सब भूमिजा हुए ना। हाँ पुत्री, हम सब भूमि चाहिए हैं। आप आ गए महाराज। कैसे हैं पुत्र? सब बड़े हो गए होंगे, आप उन्हें पहचान पाए? गुरु वशिष्ठ कहीं कुपित तो नहीं हुए आपको देखकर? व्यंजन खिलाए उन्हें? उपहार अच्छे लगे उन्हें? सब ठीक तो है ना? सब अच्छा है। थक गए क्या? अपने पुत्रों से मिलकर लौटना बहुत कठिन होता है कि कहीं। मेरा राम कैसा है? कल्पना भी नहीं कर पाओगी तुम। अद्भुत है वो, अद्भुत। और समय के साथ साथ ये भी दिखने लगा है कि वो साधारण नहीं है। और गुरु वशिष्ठ, वो तो राम से इतने प्रसन्न है। यदि तुम साथ चलती, बहुत गर्व होता तुम्हें। धनुर्विद्या हो, युद्ध कला हो, सर्वोत्तम है वो। मैं गया था उनका ध्यान रखने, पर राम वो मेरा ध्यान रखने लगा। अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है राम। राम के बारे में ये सारी बातें यदि आप कौशल्या दीदी को बताएंगे तो उन्हें कितनी प्रसन्नता होगी। प्रसन्नता? मैं कुछ भी कहूं वो उसी एक बात पर आके रुक जाती है। जब तक पुरानी बात की गांठ खोली न जाए वो गांठ ही रहती है। नहीं, वो जानबूझ के मुझे दुख पहुंचाना चाहती है। अपनी ग्लानि से मुक्ति पाने के लिए वो विश्वास कर बैठी है कि दोष मेरा ही था। वो क्या समझती है कि मैं पत्थर का बना हूं? क्या शांता केवल उसकी पुत्री थी मेरी नहीं, कि वो त्याग केवल उसका था? उसे क्या पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है? मैं यही तो समझाना चाह रही हूं। आप दोनों बैठकर एक बार बात कर लीजिए। अपने अपने मन की बात करने में कोई समस्या नहीं है। मुझे वहां जाने की कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, राम के बारे में तो बात कर सकते हैं ना? दीदी भी तो आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। वो कितनी व्याकुल होंगी अपने पुत्रों के बारे में जानने के लिए। एक बार प्रयास तो कीजिए महाराज, सब ठीक हो जाएगा। जो करवाहट कौशल्या और मेरे बीच आ चुकी है, उसको एक क्षण के लिए भी भूल जाना, मुस्कुराना और ये दिखाना कि सब ठीक है,
मुझसे नहीं होगा। जब पुत्र लौटेंगे तो वही हमारे बीच सेतु बन सकेंगे। उसके अतिरिक्त जिन दो किनारों पर कौशल्या और मैं खड़े हुए हैं, उनका मिल पाना संभव है। तुम्हें क्या लगता है, मुझे अपने पुत्रों से भेंट करने की ललक नहीं है? मैं अपने चारों पुत्रों से कितना प्रेम करती हूं, क्या यह तुम दोनों से छुपा है? उन्हें पाने के लिए मैंने अपनी पुत्री का त्याग किया है, इसलिए वो मेरे लिए और भी अनमोल है। मेरा ये तात्पर्य नहीं था दीदी। महाराज बहुत उद्विग्न रहते हैं दीदी। उद्विग्न क्यों ना हो, उन्हें पता है आपका दुख क्या है, और फिर वो उनकी भी तो पुत्री थी। पुत्री तो उनकी भी थी, परंतु अब क्यों उसे एक बुरे स्वप्न की तरह वो भुलाने का प्रयत्न कर रहे हैं? पिता के जीवन में पुत्री का विशेष स्थान होता है। महाराज के मन में पहले से ही बहुत ग्लानी है, और आपको इस तरह व्यथित देखकर उनकी ग्लानी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो आपको इस दुख से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। यही तो समस्या है मेरी, कि वो मुझे क्यों इस दुख से बाहर निकालना चाहते हैं? वो क्यों नहीं समझते कि सबके लिए दुख की तीव्रता एक समान नहीं होती? इतने वर्षों में एक रात्रि भी ऐसी नहीं बीती जब मैं नींद से नहीं जागी हूं इस आभास में कि मेरी पुत्री मुझे बुला रही है। एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब मैंने ये ना सोचा हो कि क्या मेरी पुत्री ने मुझे क्षमा कर दिया। जिस प्रकार महाराज को अपने पुत्रों से मिलने की इच्छा होती है, क्या एक बार भी उन्हें ऐसी इच्छा अपनी पुत्री से मिलने की हुई है? आपकी बात सत्य है दीदी, परंतु जितनी सरलता से ये बात अब हम दोनों को कह रही हैं, उतनी ही सरलता से ये बात आप उनसे क्यों नहीं करती? परंतु वो भी तो प्रयास कर सकते हैं ना मुझसे बात करने का। यदि वो आपसे बात करने आएंगे तो आप शांत मन से उनसे बात करेंगी? प्रयास दोनों को करना होगा दीदी। आपके और महाराज के संबंधों में तनाव देखकर मुझे और सुमित्रा को बहुत दुख होता है। और कुछ ही माह बाकी है दीदी, हमारे चारों पुत्र लौटेंगे, वह बड़े हो चुके हैं,
और वो भी आपके और महाराज के बीच की इस दूरी को भांप लेंगे। क्या ये उचित होगा? कभी ना कभी तो उन्हें ये सत्य ज्ञात होना ही है। पर इतना बड़ा सत्य ज्ञात होने का उचित समय होता है, उचित प्रक्रिया होती है। महाराज की अनुमति भी अनिवार्य है। उचित समय आने तक ये सत्य उन्हें ज्ञात ना हो, बस ऐसी ही कामना कर सकती हूं मैं। भरत भैया, भरत भैया, भरत भैया, आपने राम भैया को देखा कहीं? वो तो आपके साथ है ना लक्ष्मण भैया? हाँ थे, फिर उन्होंने कहा कि वो कुछ समय अकेले रहना चाहते हैं, इसलिए वो नदी के तट पर जा रहे हैं। जब बहुत समय बीत गया तो उन्हें ढूंढता हुआ मैं नदी के तट पर पहुंचा, लेकिन भैया वहां नहीं थे। मुझे लगा वो यहां आए होंगे। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं?